हेलो नमस्कार वॉरियर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से चैनल में सभी का एक और ब्रांड न्यू ऑसम वीडियो में, रेड डेड रिडेम्पशन 2 की। तो हमारे सामने आर्थर जो अभी अभी उठा है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था ये चला गया था सोने बहुत सारा काम करने के बाद। लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा होगा आर्थर और इसके जितने भी गैंग मेंबर है रहने के लिए जगह ढूंढी थी, खाने के लिए खाना ढूंढा था और कुछ कंबल वगैरह ढूंढे थे ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी स्नो गिर रही है और काफ़ी ज़्यादा मोटी लेयर है यार बाहर तो। और कुछ लड़ाई भी हो गई थी ओल्ड रिस्कॉल्स की गैंग मेंबर से। तो बस बहुत थक गए थे यार और अब आए हैं। और ये है लड़की एबिगेल और ये बात कर रही है कि जो जॉन है दो दिन से घर नहीं आया है, दो दिन से मिला नहीं है, कहीं खो गया है तो उसे ढूंढो। तो जॉन जो है, जॉन और माइका को डच ने बाहर भेजा था कुछ ढूंढने के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। तो रॉबरी के बाद से ही वो गायब है, माइका तो आ गया लेकिन वो नहीं आया। और ये कोई सीनियर है जो डच के बाद आता है, तो ये कह रहा है हैवियर से, टोपी वाला बंदा है दूसरा जो बैठा हुआ है उसका नाम है हैवियर, तो ये हैवियर से कह रहा है कि जाओ भाई आर्थर के साथ जाओ, जॉन को ढूंढ के लाओ, बाहर निकलोगे तभी तो मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो ये हैवियर उठ चुका है और इसने आर्थर के हाथ में यार दुनाली पकड़ा दी है। एक दुनाली से मतलब है मेरा कि एक डबल बैरल दो बोर वाली गन, मतलब शॉटगन है जिसमें दो गोलियां डलती हैं एक बार में और दो गोलियां शूट करती हैं एक बार में। वैसे तो आर्थर के पास रिवॉल्वर है लेकिन सेफ्टी के लिए यार शॉटगन भी चलती है। तो चलो यार घर से बाहर घोड़ा निकाल कर अपन आ चुके हैं और चल रहे हैं, और जैसे कि देख सकते हो कितनी गहरी और मोटी ट्रेल छूट रही है पीछे जो आर्थर का घोड़ा चल रहा है। तो कम से कम इतना मोटा गैप बन रहा है भाई स्नो और ज़मीन के बीच में। तो हम फिलहाल तो हैवियर के पीछे चल रहे हैं और पहाड़ी की तरफ आ गए हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो है और काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रखा है यहाँ पर। तो और आर्थर पीछे पीछे चल रहा है, तो चलो चलकर देखते हैं आगे जॉन मिलता है आज हमें या नहीं मिलता है। और यार सीन देखो यहाँ का कितना ऑसम व्यू है, झरना है, स्नो है और फॉग रखी है, नीला आसमान है, काफ़ी प्यारा सा मौसम और ऊपर पहाड़ से अपना घोड़ा दिख रहा है आर्थर के साथ। और हैवियर को यहाँ पे धुआं दिखाता तो यहाँ पर रुक चुका है और ये आग ताज़ा लग रही है तभी इसमें से धुआँ उठ रहा है और कोयला भी काफ़ी गर्म है, यहाँ पर लाल हो रखा है। तो भाई हो सकता है कि जॉन यहाँ से गया हो या कोई और भी हो सकता है, क्योंकि ताज़ा आग है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हैवियर का कहना है कि जो भी था अभी यहाँ से उठ के गया, तो नदी पार करने के बाद फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे हमें, तो उसका पीछा करके हम देख सकते हैं। पहले आग को जैसा कि यार तुम देख सकते हो कोयला अभी भी गर्म है, लाल हो रखा है। तो चलो दोबारा से घोड़े पे बैठते हैं और निकलते हैं यहाँ से, तो नदी पार करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं हमें। हैवियर का ऐसा कहना है हमें फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे क्योंकि स्नो काफ़ी मोटी है यार। अब देखो जैसा कि हैवियर ने कहा था यहाँ पे हमें फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है यहाँ पे और हैवियर को साथ लेकर चलना है। हैवियर के साथ चलो, हैवियर के पीछे चलो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हैवियर भी फुटप्रिंट्स के पीछे जाएगा, हमें भी फुटप्रिंट्स के पीछे जाना। और यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रखी है तो घोड़े को भी दिक्कत हो रही है और हमारे बंदे आर्थर को भी दिक्कत हो रही है यहाँ पर चलने में। इन कोई बात नहीं यार, फुटप्रिंट जो है अभी भी हमें दिख रहे हैं क्यों, और ताज़ा फुटप्रिंट है इसीलिए दिख रहे हैं। अगर हम आधे घंटे बाद आते हो तो हो सकता था कि ये बर्फ़ में वापस से ढक जाते और हमें ढूंढने में मुश्किल होती। और यहाँ पर यार देख सकते हो तुम काफ़ी ज़्यादा गहरी घाटी आ चुकी है, अगर यहाँ से मैं तुम लोगों को धक्का दे दूँ तो यार एक हड्डी पसली नहीं बचेगी तुम्हारी यहाँ पर। तो हमें तो यहाँ पर संभल कर चलना पड़ेगा, अगर हमारे घोड़े का ज़रा सा ही पैर फिसला तो घोड़ा और आर्थर दोनों जाएंगे यहाँ से। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे घोड़े का नाम है घोड़ा, अच्छा नाम है ना, कमेंट में बताना अच्छा नाम है। तो यार निशान अभी भी हमें मिल रहे हैं, अभी भी हैंगे निशान, ताज़ा हैं काफ़ी, और हैवियर भी आगे चले जा रहे हैं तो चलते हैं। और वैसे यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं, अगर फुटप्रिंट सब गायब भी हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक ही रास्ता जा रहे हैं यहाँ से, तो जो भी होगा वो यहीं को आया होगा और कहीं तो गया नहीं होगा। भाई काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रही है यार यहाँ पे तो, और फॉग तो मतलब अंत की फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा। और तुम देख सकते हो हैवियर और आर्थर कैसे ठिठर के बैठे हुए हैं अपने घोड़े पे, घोड़े की बैक पर अभी भी स्नो जमी हुई है लास्ट टाइम की तरह। और यहाँ से एक पतला सा रास्ता जा रहा है क्योंकि सामने तो पहाड़ी है, तो पहाड़ी से तो कोई जा नहीं पाएगा, इस पतले रास्ते से ही चलते हैं। और जैसा कि पहले वाली ट्रेल देख रहे थे जो हम जो फुटप्रिंट्स थे वो गायब हो चुके हैं और रास्ता फोई है, तो हम इसी रास्ते को फॉलो करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, हो सकता है हमें आगे कोई ना कोई तो मिल ही जाए।
भाई गिटार गिर चुका है और मैं कमरे में अकेला हूँ तो मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है हिल गया अपनी जगह से, डिसबैलेंस हो गया हो थोड़ा सा। तो चलो लगभग पहुंचने वाले हैं, हैवियर का ऐसा कहना है लगभग हम पहुंच गए। और सामने भाई मेरे को कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है जैसे किसी की लाश हो, हो सकता है कहीं ये जॉन ही हो जो मर गया। और कौवे वगैरह, कौवे उड़ चुके हैं। ओ भाई तो ये जॉन तो नहीं है लेकिन घोड़ा है, और हैवियर का कहना है कि ये जॉन का घोड़ा। और यार कितनी बुरी तरह मारा इसे, ये देखो अब ये गोली भी चला रहा है भाई। अच्छा इसने गोली इसलिए चलाई है ताकि अगर कोई हो तो गोली की आवाज़ सुन के इसे आवाज़ दे दे और हमें आवाज़ आई है हेल्प की। वैसे यार देखो घोड़े को कितनी बुरी तरह मारा है, हो सकता है किसी जंगली जानवर ने मारा हो इसे, पहाड़ी एरिया है तो जंगली जानवर भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलो यार हम जा रहे हैं और हमारा घोड़ा यहाँ से आगे तो जा नहीं सकता, तो घोड़े को यहीं पर रोक देते हैं अपन। तो घोड़े के पास जो साइड में सैडल बैग्स टंगे होते हैं, सैडल बैग में मैंने गन डाली थी जो मेरे को हैवियर ने दी थी, तो वो वाली शॉट गन निकाल लेते हैं, जो दुनाली है अपनी निकाल लेते हैं यहाँ से, ताकि अगर यहाँ पे कोई गुंडे वगैरह हो, क्योंकि ऑड्री स्कोल्स का डर है हमें थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में उन्हें बहुत ही ज़्यादा मारा था, बहुत ही बुरी। और ये देखो हैवियर का घोड़ा यहाँ पे चीचा लेतन मचा रहा है। खैर कोई बात नहीं, वो तो नेचुरल है, घोड़े अक्सर ऐसा करते रहते हैं, हमारा घोड़ा भी करेगा, हमारे घोड़े का नाम ही घोड़ा है तो हरकतें भी घोड़े वाली ही करेगा। तो चलो हैवियर के पीछे पीछे चलना है। और यार काफ़ी खड़ी चट्टान है ये, मतलब खड़ी चट्टान नहीं खड़ी चढ़ाई है, तो अगर यहाँ से आर्थर फिसला तो भाई मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन हम आराम से चलेंगे यहाँ से। तो चलो खड़ी चट्टान से तो नीचे उतर चुके हैं, लेकिन ये पहाड़ी एरिया है यार, व्यू काफ़ी औसम है, सफ़ेद सफ़ेद बादल, सफ़ेद सफ़ेद स्नो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे और नीला नीला आसमान है, लेकिन डर बहुत है। और यहाँ पर थोड़ी सी ढलान सी, ढलान तो नहीं कह सकते हम इसे, यहाँ पर जगह नहीं है, ढलान नहीं है मतलब उतरने की, तो हमें कूद के उतरना पड़ा और फिर से यहाँ ढलान। ओ भाई बच गया आर्थर, बच गया यहाँ पे, अगर गिरता तो भाई मौत थी सीधा, जिंदा मौत थी इसकी आर्थर की तो। और यहाँ पे एक क्लिफ वगैरह थी तो हम झुक के नीचे से आ गए हैं, इतना कोई मैटर नहीं करता इसलिए नीचे से आ गए। और भाई ठंड की वजह से आर्थर का जो स्टेमिना है काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है और भूख भी लग रही है इसे, तो ऊपर चढ़ते हैं यहाँ से फटाफट से। तो भाई यहाँ से फिर से हमें थोड़ा सा नीचे कूदना पड़ेगा, तो चलो कुछ खा लेते हैं, केक्स नहीं खाते, केक्स लास्ट टाइम खाए थे, तो स्वीट कॉर्न खा लेते हैं इस बार। तो चलो यार स्वीट कॉर्न खा ली हमने और फिर से नीचे कूद गए और दोबारा से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी है, तो कुछ खाना भी पड़ेगा यार, अगर नहीं खिलाएंगे आर्थर को तो ये बंदा मर जाएगा, फिर हम आगे गेम नहीं खेल पाएंगे। तो चलो दोबारा से ऊपर चढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हैवियर किसी घाटी वगैरह में घुस चुका है, यहाँ पर रास्ता निकल रहा है। तो चलो आर्थर को भी हम पीछे पीछे ले आए हैं, और यहाँ पर जो हैवियर है टल्ली हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअली वो टल्ली नहीं हो रहा है यार, वो कुछ पी रहा है जो भी हो, लेकिन यहाँ ठंड में वो मेडिसिन की तरह काम करता है, बॉडी को गर्म करता है, स्टेमिना वगैरह बूस्ट करता है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग हम जॉन के काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं, जॉन को आवाज़ मारते चलो। तो लेफ्ट की तरफ से ज़्यादा मतलब आवाज़ थोड़ी तेज़ हो चुकी है और जॉन ही है ये बंदा, तो चलो नीचे उतर कर देखते हैं किधर को है ये। तो चलो यार जॉन के पास पहुंच चुके हैं, जॉन यहाँ पर नीचे है, देखते हैं किस हालत में है ये बंदा और कैसे बैठा हुआ है यार ये। ओ भाई यार देखो मतलब अधमरा हालत हो रखी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब पूरा यूं करके ऐसा लग रहा है किसी ने चक्कू वगैरह मार दिया हो, लेकिन भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है चक्कू वगैरह नहीं मारा किसी ने, क्योंकि घोड़ा भी मरा हुआ है जॉन का और वो बहुत बुरी तरह से मरा हुआ है, अगर कोई बंदा होता तो घोड़ा ले जाता उसे मारता नहीं, तो ये शायद किसी जंगली जानवर का काम है। तो चलो यार जॉन को तो उठा लिए, नीचे चढ़ के उठा लिया और अब इसे लेकर चल रहे हैं घर को, एक्चुअली घर नहीं जो कैंप बना रखा है हमने क्वार्टर में, जहां पर अपनी सारी गैंग फैमिली रह रही है, इसे वहाँ लेकर चलेंगे, एबिगेल से मिलाएंगे, एबिगेल खुश हो जाएगी इसे देख के, एबिगेल जो है वो इसकी वाइफ है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता इनकी स्टोरी लाइन, पता नहीं हमें कहाँ चल रहा है दोनों के बीच में।
तो चलो ऊपर लेकर तो आ चुके हैं, अब चलते हैं अपने घोड़ों को ढूंढते हैं फटाफट। ओ भाई यहाँ पर भाई भेड़िए वगैरह आ चुके हैं, तो अब मैं श्योर हो चुका हूँ घोड़े को तो भेड़िए ने मारा ही है, और जॉन की जो हालत है वो भी भेड़ियों की वजह से हुई है। तो इससे पहले भेड़िए आके हमारे घोड़ों और जॉन हैवियर या मेरे को आर्थर को कुछ करें, इससे पहले हमें अपने घोड़ों पर बैठ के निकलना होगा। ओ भाई तो जो भेड़िए हैं वो नीचे की तरफ आ चुके हैं, वुल्फ जो है, तो अपनी गन निकाल के मैं इन्हें शूट करता हूँ, मारना पड़ेगा भाई। तो भाई एक पास, ओ भाई इसने पैर खा लिया है, इसने आर्थर, इसके एक गोली लग चुकी है, इसको एक और मारते हैं। और भाई एक भेड़िया मर चुका है, इसके एक गोली मारते हैं, एक और ये भी मर गया है। ओ भाई इसने आर्थर का हाथ खा लिया है, इसे मारना पड़ेगा जल्दी से। और भाई बहुत इधर से उधर कूद रहा है, मैं ताना, चलो फाइनली यार तीसरा भी मर चुका है। अब हमें जल्दी से यहाँ से घोड़े से बैठ के निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई और जंगली जानवर आ जाए या फिर और भेड़िया आ जाए यहाँ पे। तो चलो यार मैं तो अपने घोड़े पे बैठ चुका हूँ, जल्दी से हैवियर और जॉन के बैठने का भी कर लेते हैं वेट, जैसे ही ये बैठेंगे वैसे ही यहाँ से निकल लेंगे फटाफट से। और भाई यार ये देखो पहाड़ों के ऊपर से कैसा स्मोक सा उठ रहा है, मतलब एक्चुअली वो स्मोक नहीं है, है तो फॉग, बर्फ ठंडी हो चुकी है इसलिए वो उठ रही है वहां से। तो चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ से, मैं अपना घोड़ा भगा लेता हूँ, हैवियर भी अपना घोड़ा। और यार देखो जॉन की हालत कैसी अधमरी सी हो रखी है, ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा बेचारे बंदे से। तो भाई जॉन कह रहा है जो इसका घोड़ा था उसे इन भेड़ियों ने ही काट लिया था, खा लिया था, और वो भी बेचारा आधे घंटे पहले ही मरा है, मतलब इसका जो घोड़ा है वो आधे घंटे पहले ही मरा है, उसे ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो चलो फटाफट पहाड़ी से तो उतर आए हैं और भागते हैं घर की तरफ। ओ भाई हैवियर ने बताया कि और आ रहे हैं, और मैंने देख भी लिया, तो इन भेड़ियों को भी फटाफट से मारते हैं इससे पहले कि ये हमें कुछ नुकसान पहुँचाएं या हमारे क्वार्टर तक आके हमारे गैंग हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाए, इन्हें मारना पड़े। तो चलो यार एक तो मर चुका है, एक राइट से आ रहा है और भाई लेफ्ट से भी आ रहा है, तो चलो मारते हैं यार, इसके एक गोली लग चुकी है, एक और मारनी पड़ेगी। तो चलो यार दूसरा भी मर चुका है, इसे भी मार देते हैं फटा, और भाई ये भी मर चुका है यहाँ पे। तो ज़रा चेक कर लेता हूँ आसपास और भेड़िए तो नहीं है। तो चलो यार आसपास और भेड़िए नहीं बचे हैं, मतलब हमने सबको मार दिया, और जॉन जो है जॉन अभी भी जिंदा बचा हुआ है। तो चलो अपना जो कट्टा है कट्टा डाल देते हैं वापस से सैडल में, क्योंकि घोड़ा चलाने में दिक्कत होगी हमें, गन के साथ रस्सी पकड़ेंगे तो घोड़ा जो है सही से इधर से उधर भाग नहीं पाएगा। तो चलो वैसे यार बहुत अच्छी बात है जॉन जिंदा बचा, हो सकता है हमारी गैंग का खास मेंबर हो, काफी ज्यादा ताकतवर मेंबर हो, इसीलिए हमें भेजा हो इसे ढूंढने के लिए इतनी ठंड में इतने खतरे में। तो चलो यार हैवियर तो अपना घोड़ा नदी में दौड़ा रहा है, लेकिन मैं नहीं दौड़ाऊंगा क्योंकि मेरे को पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मेरा घोड़ा पानी में चल के ठंड से मर गया तो मैं तो भाई पैदल जा नहीं पाऊंगा, मैं तो हैवियर को धक्का दे दूंगा उसके घोड़े से और खुद बैठ के भाग जाऊंगा यहाँ से। चलो हैवियर ने भी खैर अपना घोड़ा ऊपर ले आया है। तो चलो यार हम पहुँचने ही वाले हैं, जॉन को बता दिया, वो देख जो सामने बिल्डिंग्स है हम वहीं पर अभी कैंप बनाकर रह रहे हैं, तो बस पहुंच चुके हैं, तू डर मत तू ठीक हो जाएगा। तो चलो यार हम क्वार्टर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हमारा अपना पूरा कैंप वगैरह तैयार कर रखा है। तो चलो घोड़ा यहीं पर रोक लेता हूँ और घोड़े से उतरते हैं फटाफट से यहाँ पे। मेरे को वैसे लग रहा है मेरे को घोड़ा कहीं खड़ा करना चाहिए, लेकिन यार अब घोड़ा खड़ा करने कौन जाएगा, लेकिन घोड़ा यहाँ पर जो है ठंड में मर भी सकता है, लेकिन थोड़ी देर में कर देंगे। मिस्टर स्मिथ है जो, मिस्टर स्मिथ का तो काम ही है ये करना, हमारे घोड़ों का ध्यान रखना। तो चलो यार जो एबीगेल है, एबीगेल बहुत खुश हो चुकी है जॉन को देख के, अंदर ले गई है और थैंक यू सभी आर्थर को शुक्रिया कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो यार बहुत अच्छी बात है वैसे तो कि हम जॉन को यहाँ पर ले आए हैं। Just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, suppose we'll have to keep heading east. East. तो चलो यार ये कुछ सीनियर बंदे हैं और सीनियर बंदे कह रहे हैं कि डच इन्हें बताकर गया है, डच जो है हमारा सीनियर है, डच इन्हें बताकर गया है कि हमें ईस्ट की तरफ बढ़ना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम तो यहाँ रुक नहीं सकते, यहाँ पर ठंड भी बहुत है। तो वही जो सीनियर बंदे थे बता रहे थे आर्थर को, जो बड़े बुजुर्ग थे आर्थर को बता रहे थे कि हम ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे यहाँ पे, कुछ टाइम बाद हमें यहाँ से मूव करना होगा और ईस्ट पर, ईस्ट की साइड जाएंगे। तो चलो यार आर्थर बता रहा है कि हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, हफ्तों से हम इधर से उधर भाग रहे हैं,
हमने एक ओल्ड माइनिंग टाउन ढूंढा है और यहाँ पर कैंप बनाकर रह रहे हैं, मतलब इसी जगह की बात कर रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। खाना पीना ढूंढ लिया है, रहने की जगह भी है, लेकिन हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, आर्थर का ऐसा कहना है। तो चलो यार, आज के लिए तो बस था इतना ही। हम मिलते हैं अगले गेम प्ले में। अगर ये वाला गेम प्ले पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक के लिए बाय।